हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपिसोल्यूशन में। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 की घोषणा जो है वो हाल ही में की गई है, तो इसमें एक भारतीय को भी शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित जो भी मुख्य तथ्य है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी तथ्य है वो हम लोग MCQs के फॉर्मेट में देखेंगे, और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे, और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। जितना आपके पास व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का दो दो ग्रुप बनाया हुआ है, तो दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1957 में इसकी शुरुआत की गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये वार्षिक पुरस्कार है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखनी है। वार्षिक कहने का मतलब कि हर वर्ष जो है वो इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ये जो है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के याद में जो है वो प्रदान किया जाता है। इन्होंने शासन में ईमानदारी, लोगों के लिए साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद का मिसाल जो है वो कायम किया था, तो इन्हीं की याद में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 1957 से 1957 से इसकी शुरुआत की गई है। फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में एक जगह है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा इसे स्थापित किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2019 का अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें से एक भारतीय हैं जिनका नाम है रवीश कुमार। ओके, आगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया है। इनका फिगर के साथ नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं किनको किनको ये प्रदान किया गया है। तो म्यांमार के हैं स्वे विन, इनको ये प्रदान किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप इनका नाम तो याद रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में कहीं से भी पूछा जा सकता है, और रवीश कुमार के अलावा इन चारों से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका नाम और कंट्री ये आप जरूर याद रखेंगे कि किस देश से संबंधित है ये, और किस लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थाईलैंड के हैं अंगखाना नीलापाइजित, इनको ये प्रदान किया गया है, ये थाईलैंड के हैं। ये हैं रवीश कुमार, भारत के हैं, और ये हैं फिलीपींस के हैं रेमुंडो पुजंते, और ये हैं किम जोंग की, किम जोंग की यहाँ पे है, आप ध्यान देंगे किम जोंग नहीं, किम जोंग की, ये साउथ कोरिया के हैं। ओके, तो इन 5 व्यक्तियों को ये अवार्ड जो है 2019 का प्रदान किया गया है, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। इसके बाद है रवीश कुमार किस चैनल के पत्रकार हैं? रवीश कुमार ये NDTV के पत्रकार हैं। ओके, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, रवीश कुमार के बारे में ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, रवीश कुमार से संबंधित जो भी तथ्य होगा वहाँ आप जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो रवीश कुमार ये NDTV के पत्रकार हैं, और रवीश कुमार छठे ऐसे पत्रकार हैं जिनको, भारत के छठे ऐसे पत्रकार हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इससे पहले 5 पत्रकार को और भी ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जा चुका है। अब रवीश कुमार को ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए ये अवार्ड रवीश कुमार को प्रदान किया गया है। तो ऐसा न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल को आप देखते होंगे, जो कुछ कुछ न्यूज़ जो है वो लोग स्किप करते हैं और उसी को दिखाना रवीश कुमार ज़रूरी समझते हैं। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ को ये लाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, और साथ ही साथ यूथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। आपने देखा होगा कि UPSC, SSC ये सब जो स्कैम हैं
यूपीएससी स्कैम तो अभी नहीं हुआ है, एसएससी स्कैम के ऊपर या बीपीएससी स्कैम के ऊपर भी इन्होंने भी जो है वो वीडियो दिया था, इन्होंने न्यूज़ दिया था। बिहार एसएससी अलग अलग जो भी युवा से संबंधित है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है उनके न्यूज़ को बना करके ये लेकर के आते हैं, तो यूथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं रवीश कुमार। ओके, तो ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं। अब इससे पहले जो है वो पांच और कौन-कौन से पत्रकार हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, उनका नाम एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, इनको ये अवार्ड जो है वो 1961 में दिया गया। इसके बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बी जी वर्गीज, बी जी वर्गीज, ओके, बी जी वर्गीज, इनको 1975 में ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अरुण सॉरी, ओके, अरुण, आप जो है ये नोट डाउन कर लेंगे, अरुण सॉरी, 1982 में इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। चौथे जो व्यक्ति हैं उनके उनका नाम है आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण, ओके, इनको ये अवार्ड जो है 1984 में दिया गया। इसके बाद पांचवे जो व्यक्ति हैं वो हैं पी साईनाथ, पी साईनाथ, इनको ये अवार्ड जो है वो 2007 में प्रदान किया गया था। इसके बाद छठे जो हैं वो हैं रवीश कुमार, जिनको 2019 में ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये जो है आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा जो है वो 40 भारतीयों को अवार्ड प्रदान किया जा चुका है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जा चुका है। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, वह पहले भारतीय कौन है जिनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। अगर यहाँ पे बात आती है कि वह भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम बताएं तो वो है मदर टेरेसा। ओके, मदर टेरेसा, पहली भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। रवीश कुमार किस राज्य के निवासी हैं? रवीश कुमार किस राज्य के निवासी हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बिहार से संबंधित हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रवीश कुमार बिहार के निवासी हैं, बिहार के मोतिहारी के निवासी हैं ये। ओके, मोतिहारी के, इनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को मोतिहारी में हुआ था। ओके, और ये एक भारतीय टीवी एक्टर एंकर, सॉरी एक्टर नहीं, टीवी एंकर, लेखक और पत्रकार हैं। और ये जो है वो भारतीय राजनीतिक और समाज से संबंधित विषयों को मुखरता के साथ जनता के सामने रखते हैं। और रवीश को एनडीटीवी समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल में एनडीटीवी इंडिया में सबसे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। और इन्होंने एनडीटीवी को 1996 में ज्वाइन किया था, और द इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में, द इंडियन एक्सप्रेस 2016 में इसने 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली भारतीय की सूची में रवीश कुमार को भी इसने शामिल किया था, द इंडियन एक्सप्रेस ने, तो ये भी आपको याद रखनी है। थाईलैंड के अंगखाना नीलापायजीत को किस क्षेत्र के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी जस्ट इन सब के बारे में हमने देखा, पांचों के बारे में देखा कि पांचों का नाम हमने देखा और किस देश से ये संबंधित हैं उनके बारे में भी हमने देखा। तो ये हैं थाईलैंड की हैं अंगखाना नीलापायजीत, इनको किस क्षेत्र के लिए ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है? ये दिया गया है दर्दनाक मामले के बाद न्याय का मामला। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है कि क्यों जो है वो किनको किनको क्यों जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन भारतीयों को प्रदान किया गया है? यहाँ पे 2019 की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है 2018 की। 2018 में भी दो व्यक्तियों को ये अवार्ड प्रदान किया गया था, ये दो व्यक्ति कौन कौन से हैं इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ए और बी। ओके,
ए और बी, भारत वाटवानी। देखिए अरविंद केजरीवाल को भी ये अवार्ड प्रदान किया गया है, लेकिन 2018 में यहाँ पे बात की जा रही है कि 2018 में किन को दिया गया है, तो भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को ये अवार्ड दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल को इससे पहले जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, भारत वाटवानी के बारे में बता देता हूँ, ये मुंबई के निवासी हैं। ओके, ये मुंबई के निवासी हैं भारत वाटवानी, और इनको जो है ये अवार्ड क्यों दिया गया है। देखिए भारत वाटवानी को सड़क पर भीख मांगने वाले हजारों मानसिक तौर पर बीमार लोगों को रेस्क्यू करके उनके परिवार से मिलाने के लिए, उनके परिवार को उनसे मिलाने में सहयोग के लिए ये अवार्ड जो है ऊपर प्रदान किया गया था। जबकि सोनम वांगचुक की अगर हम लोग बात करें तो ये इंजीनियर और शिक्षा सुधारक के रूप में इन्होंने बेहतर कार्य किया, इसके लिए ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया था। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये था 7 महत्वपूर्ण MCQs हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ इतना सा ज़्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दो दो ग्रुप बनाया हुआ है, दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए BPSC स्पेशल के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग ला रहा था, आप लोगों के लिए लाइव क्लास ला रहा था, लेकिन 1 अगस्त से लाइव का यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका मैं सेटिंग पहले कर लेता हूँ, इसके बाद जो है वो लाइव क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊँगा। ओके, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू सो मच।